हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पंजाबन ब्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक काइंड ऑफ व्लॉग है, बिकॉज आज संडे था, मुझे अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन करना था जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो मैंने सोचा एक वीडियो भी शूट कर लेते हैं। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूंगी कैसे आप अपना सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो यस, कुछ ऐसे सामान बिखरा पड़ा है और ये जो मुझे रूप मंत्रा से पार्सल आया था वो भी यहीं रखा हुआ है। सो ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका है, बिकॉज मैं वीडियो जब शूट करती हूँ तो अपना सामान ऐसे ही बिखेर देती हूँ। सो मैंने लिए हैं दो कुछ ऐसे डब्बे टाइप, ये जो हमारे कप होते हैं ना चाय वाले, वो कप हमने यूज़ कर लिए थे तो उसके दो डब्बे ऐसे फालतू ही पड़े थे, तो मैंने सोचा मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ सामान वगैरह रखने के लिए। कुछ सामान नीचे भी बिखरा हुआ है क्योंकि मेरे पार्सल वगैरह आए हुए थे, सो मुझे टाइम नहीं लग रहा था इनको ऑर्गेनाइज करने का। सो चलिए देख लेते हैं मैं अपने ड्रेसिंग टेबल कैसे क्लीन करती हूँ। सो ये मेरे इयररिंग्स भी इसी सामान के अंदर ही रखे हुए थे, सो मुझे डर था कि ये कहीं टूट ना जाएं और इसलिए मैं इनको अभी सेपरेट करके रखूंगी। अब मुझे मेरा किट्टी वाला हेयर बैंड दिख गया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहन लेती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैंने कफ्स एंड लैशेज से बाय किया है, ये भी कुछ सामान है जो कफ्स एंड लैशेज से बाय किया है, जिसका हॉल अभी मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ, वो भी जल्दी ही शेयर करूँगी। अब मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को खाली कर लिया है और मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, बिकॉज मेरे ड्रेसिंग टेबल के साइड्स में बॉक्स वगैरह नहीं हैं, सो इसलिए मुझे अलग से बॉक्स इसके ऊपर रखने पड़ते हैं, बिकॉज वो साइड वाले बॉक्स आई थिंक अभी ट्रेंडिंग में भी नहीं है। सो मेरा ड्रेसिंग टेबल ऐसा ही है, सिंपल सा। सो पीछे आपको मेरा मोबाइल और ट्राइपॉड भी दिख रहा होगा जिससे मैं शूट कर रही हूँ। जो मेरे पार्सल्स के ऐसे कार्टन वगैरह होते हैं मैं उन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ जब अपनी वीडियो शूट करती हूँ, बिकॉज एक वीडियो शूट करने के लिए जितना भी सामान चाहिए होता है वो मैं एक ही कार्टन में रख लेती हूँ, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो वीडियो शूट करते वक्त। सो सबसे पहले मैं इस बॉक्स में छोटे छोटे सामान का रख लूँगी, बिकॉज ये वाला बॉक्स मैं नीचे रखूँगी और इसके ऊपर दूसरा रखूँगी जिसमें मैं बड़ा सामान रखूँगी। छोटे छोटे सामान मैंने इस डब्बे में ऑर्गेनाइज कर दिया है और बड़ा सामान मैंने दूसरे वाले में रखा है, क्योंकि मैं इसको ऊपर रखूंगी और इसमें डेली यूज़ होने वाला सामान है, जो भी मैं यूज़ करूंगी उसके बाद इसी में रख दूंगी, सो इसलिए मैं इसको ऊपर रखूंगी। उसके बाद ये है कुछ हेयर एक्सेसरीज जिसको मैंने ये वाले छोटी सी डब्बी में रख दिया है। देन ये एक मेरे पास बॉक्स है जिसके अंदर पहले मैं हेयर एक्सेसरीज रखती थी, लेकिन अब मैं इसके अंदर अपनी ज्वेलरी रखूंगी। मैंने इसमें कॉटन रख लिया था और ये मेरे इयररिंग्स वगैरह हैं, इनको मैं इसके अंदर रख रही हूँ ताकि ये सेफ रहें।
पास से छोटे छोटे कार्टन मैं रख लूंगी क्योंकि ये मेरे सामान वगैरह रखने के काम आ जाएंगे। और ये थी सायमा के पिक जो मुझे द मेकअप स्टोरी शाय स्टाइल लिपस्टिक के साथ मिली थी। सो यस, मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज कर लिया है और ये जो सामान बिखरा है इसको भी मैं अभी समेटूंगी और कुछ यहाँ साइड में मैंने थोड़ा सा सामान रख लिया है जो मेरे काम आने वाला है। और ये कुछ फालतू सामान निकला है, ये ब्रशेस वगैरह हैं जो मैं अभी वॉश करूँगी, इनको भी मैंने साइड में कर लिया है। और ये कुछ फेंकने वाला सामान है जो काफ़ी टाइम से रखा था लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था सफाई करने का। सो इस वाले कार्टन के अंदर मैं अपनी जो आई शेडो पैलेट्स वगैरह हैं और जो छोटे छोटे ऐसे सामान हैं बॉक्सेस में उनको रखूँगी। ये जो सामान है इनके आउटर बॉक्सेस मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, मुझे आदत है हमेशा सामान को आउटर बॉक्स में रखने की। सो ये सारा सामान मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है, अपना ड्रेसिंग टेबल अच्छे से क्लीन कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बच गई है। पहले बहुत ज़्यादा मैसी था, आप देख सकते हैं, कुछ भी सामान मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, लेकिन अब मैंने सारा सामान ऑर्गेनाइज कर लिया है। सो यस, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।